Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Super excited today because today I'm doing my favorite kind of video, which is unboxing videos. मैं पहले बहुत प्यार unboxing करती थी. I literally used to collect all the parcels. मैं कुछ भी नहीं खोलती थी, मैं wait करती थी एक बड़ा सा unboxing haul बनाया करूँगी. और बीच में फिर gap आ गया and finally I promised you guys कि 2024 में long form videos आने वाली हैं. So there you go. I'm doing my first ever 2024 का PR unboxing haul. I have a lot of boxes here. Literally ये पूरा एक stack है मेरे पास और एक स्टैक इधर भी रखा है. सो वीडियो थोड़ी सी लंबे होने वाली है. काफी सारा पीआर है लेकिन बहुत सारी चीजें वो भी है जो मैंने ऑर्डर करी है. आई हैव ऑर्डर्ड अ फ्यू स्टफ फ्रॉम कल्ट एज वेल. वीडियो थोड़ी सी लंबे होने वाली है सो चाय कॉफी लेके बैठ जाओ. एंड जस्ट इन केस आप पहली बार आए मेरे चैनल पे, हाय माय नेम इज कशिका. आई मेक कंटेंट रिलेटेड टू ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग बेसिकली. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, गिव इट अ बिग थम्स अप इफ यू लाइक इट. एंड नाउ लेट्स गो. लेट्स स्टार्ट विद माई फेवरेट ब्रांड विच इज़ नायका. पहले मैं दिखाती हूँ मैंने क्या नायका से ऑर्डर किया है. ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं किया, छोटी मोटी चीज़ें मैंने ऑर्डर करी हैं जो मेरी खराब हो गई थी या फिर सूख गई थी. सो नंबर वन हैज़ टू बी नेल पेंट. आई डोंट नो क्या हुआ है, मेरी सारी मैक्सिमम जितनी भी न्यू नेल पेंट थी ना वो ड्राई आउट हो गई. तो मुझे लगा नेल पेंट रीस्टॉक कर लेते हैं. सो अभी नायका की सेल भी थी तो थोड़े बहुत डिस्काउंट पर भी मिल गया था. सो दिस इज़ नॉट स्पेसिफिकली अ नेल पेंट, ये है एक 7-in-1 नायका का नेल स्पा ऑल इन वन कोट. ये कुछ इस तरह से दिखता है. मैंने भी पहले कभी ट्राई नहीं किया लेकिन इसके मैंने रिव्यूज सुने थे काफ़ी अच्छे हैं. प्लस मेरी एक फेलो ब्लॉगर फ्रेंड है, उसने ही बोला था कि ये ट्राई करना बिकॉज मैं एक्सटेंशंस कराती रहती हूँ. मैंने भी दिसंबर में कराए थे थाईलैंड जाते हुए और ये मैंने परसों कराए हैं. दीज आर माई वेडिंग एनिवर्सरी नेल्स बाय द वे. पहली बार मुझे कलर पसंद आया. अदरवाइज मैं जब भी एक्सटेंशन कराती थी ना मैं बाहर आती थी और वो कलर अलग ही दिखता था. फर्स्ट टाइम मुझे अपने एक्सटेंशन का कलर बहुत प्यारा लग रहा है. सो मैंने इस बार आलमंड शेप कराई है. एंड क्या होता है जब एक्सटेंशन हटाते हैं ना, ऑफकोर्स एक मंथ भी नहीं टिकते एक्सटेंशन मेरे, तो बहुत जल्दी चिप ऑफ हो जाते हैं या टूट जाते हैं. सो मुझे तो विद इन अ मंथ ही हटवाने पड़ते हैं. सो जब आप एक्सटेंशंस हटवाते हो ना उसके बाद जो आपकी नेल की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. बहुत पतले हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर नेल पेंट लगाते हैं, उसके ऊपर ऐसे स्क्रैचेस क्योंकि वो बफ बहुत ज़्यादा करते हैं. तो इसलिए मैंने ये मंगवाया था. ये बेसिकली एक नरिशमेंट का भी काम करता है, एक ऑल इन वन कोट है जो एक टॉप कोट की तरह काम करेगा. आपके नेल्स को स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा, उसको नरिशमेंट भी देगा. सो रियली एक्साइटेड. एक बार देखते हैं इसका कलर कैसा है बिकॉज ये बाहर से तो वाइट लग रहा था. इट्स काइंड ऑफ वाइट कलर ओनली. अभी तो मैंने एक्सटेंशन कराया है तो मैं स्वॉच भी नहीं कर सकती, बट आई थिंक ये ट्रांसपेरेंट की तरह आएगा. सो इसका जो कलर है ना वो ऐसे लाइट फेविकॉल जैसा है, बट आई थिंक ये जब सूख जाएगा तो एकदम ट्रांसपेरेंट होगा. सो या आई एम सुपर 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 एक्साइटेड ट्राई दिस वन. इसका नाम है 7-in-1 नेल स्पा. नेक्स्ट अप इसके अंदर है ये वाला बॉक्स. मैंने बाय द वे पहले ही खोल लिया था बिकॉज मैंने मार्स के लैशेस भी मंगवाए थे. कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी थी. वैसे ऑफिशियली मेरी वेडिंग एनिवर्सरी आज है. हमारी दो दो दिन बनती है बिकॉज इट्स लाइक अ हिंदू सिख वेडिंग. तो आज हमारी ऑफिशियल लीगल मैरिज डेट है, बट कल हमने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया था. सो मैंने मार्स की लैशेज भी मंगवाई थी विच आर फॉर 99 rupees एंड आई लव दोज लैशेज. इस बार मैंने मंगवाई थी नेचुरल फ्लटर. आई थिंक मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी. आई लव इट. एक तो 99 की आती है, बहुत सुंदर भी लगती है एंड यूज एंड थ्रो वाला आइटम होता है ना, तो मुझे लैशेज पे ज़्यादा पैसे खर्च करना पसंद नहीं है. तो मैंने वो भी रिसेंटली ऑर्डर किया था. ओके नेक्स्ट अप दैट आई हैव ऑर्डर्ड इज नायका का इंस्टा लाइक. ये इंस्टा लाइक मेरे पास नायका का इंस्टा ड्राई नेल पेंट है. मुझे लगा ये इंस्टा ड्राई है, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं. बट इनकी दूसरी कलेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक हार्ट्स बने हुए हैं. दिस इज द इंस्टा लाइक कलेक्शन. एंड इफ यू सी केयरफुली मैंने जो भी एक्सटेंशन कराए हैं ना उसका कलर और इसका कलर कितना सिमिलर है. लाइक लुक एट दिस, बिल्कुल सेम ये कलर है. अगर मेरे से कोई पूछेगा कि अपने एक्सटेंशन का बताओ सिमिलर कलर, तो मैं फाइनली बता सकती हूँ. नाम है रोज एडिट 352 एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो जब मेरे ये वाले नकली वाले नेल्स हट जाएंगे definitely use this and then post you guys ki kaisi lag rahi hai. Coming to the second box jisme most probably cotton pads hone wale hain because mere sare cotton pads khatam ho gaye the. सो मैंने रीस्टॉक कर लिए. नायका की सेल पे ना 20-30 rupees सस्ते मिल जाते हैं बिकॉज बाहर से अगर केमिस्ट एंड ऑल से लोगे ना तो पूरा MRP में मिलता है. तो मैंने ऑनलाइन ही रीस्टॉक कर लिए थे. सो मैंने एक तो ये कॉटन बॉल्स मंगवाई हैं जो कभी कभी चाहिए होती है, लाइक मेकअप खराब हो जाए, थोड़ा बहुत वाइप ऑफ करना हो, मेरे पैरों में भी फुट में कोन हो गया, आई डोंट नो कौन क्या बोलते हैं वो, एक इन्फेक्शन जैसा हो जाता है मुझे, वो हो गया तो मुझे उसको भी बार बार क्लीन करना होता है, मेडिसिन लगाना होती है. सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी हेल्पफुल. तो ये एक चीज़ मैंने मंगवाई है. नेक्स्ट अब आगे ट्यूलिप के कॉटन पैड्स मुझे काफ़ी पसंद है. ये मेकअप रिमूव करने के लिए, वाइप ऑफ करने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द PR पार्सल्स नाउ. ये भी नायका से आया लेकिन यहाँ पे के ब्यूटी लिखा हुआ है और मैं इस बार बिल्कुल भी धोखे में नहीं आने वाली बिकॉज मुझे पता है कि इसमें के ब्यूटी का सामान कभी नहीं होता. अरे कुछ फंसा हुआ है, सीरम जैसा कुछ फंसा हुआ अंदर. निकल गया.
ओह दिस इज परफ्यूम, ओह हाँ नायका का परफ्यूम वाला भी सेल चल रही है, दे हैव फ्रेग्रेंस सेल गोइंग ऑन राइट नाउ, आई थिंक आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। ये है नायका का लव स्ट्रक का फर्स्ट डेट परफ्यूम, मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने आई थिंक अपने परफ्यूम कलेक्शन वीडियो में दिखाया भी था, मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर बनाई थी माई फेवरेट परफ्यूम्स, उसके अंदर मैंने नायका का एक परफ्यूम फीचर भी किया था जो ग्रीन वाला आता है, नॉट रियली श्योर ये फर्स्ट डेट, आई थिंक पिंक वाला परफ्यूम है, ये मुझे अच्छा लगा था, लेकिन का जो ग्रीन वाला है ना वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट वी हैव समथिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग, ये है नायका के ग्लैमर आईज वन स्ट्रोक बोल्ड एप्लीकेशन वाटरप्रूफ स्मच प्रूफ सूट्स ऑल इंडियन स्किन टोन, काफी सारे क्लेम्स हो गए, कलर्ड आई लाइनर आई पेंसिल, दिस हाउ इट लुक्स लाइक, वी हैव वन इन ग्रीन, वी हैव वन इन ब्लू, ये तो डेफिनेटली जब मैं अप्लाई करूंगी मैं तब शेयर करूंगी। मुझे आई लाइनर्स के रिव्यू करने में काफी मजा आता है बिकॉज आई एम पर्सनली अ कलर्ड लाइनर पर्सन, स्पेसिफिकली इन समर्स, समर्स में तो मैं ऐसे कलर लाइनर्स ही लगाती हूँ, और ये बिल्कुल काजल जैसी पैकेजिंग वाले हैं, इनको मैं डेफिनेटली जब यूज करूंगी आई शूट अ क्विक रिव्यू फॉर यू गाइज। मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे काफी रिव्यूज करती हूँ, सो जस्ट इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग मी देयर प्लीज गो देयर एंड फॉलो मी बिकॉज आपको स्टोरीज पे काफी रिव्यूज देखने को मिलेंगे। ओके नेक्स्ट अप वी हैव नायका का ग्लॉस इट अप, दिस इज पीएच लिप एंड चीक ग्लॉस। ओह ये मैंने देखा है, मैंने काफी लोगों के रिव्यूज में भी देखा है, आई थिंक या दिस इज द कलर चेंजिंग ग्लॉस, कैन यू सी ग्रीन कलर का है ये, बट आई थिंक जब इसको लगाओगे ना इसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी तो मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है बट ये मैं डेफिनेटली ट्राई करना चाहती थी। ये बेसिकली पीएच बेस्ड होते हैं कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसके उसको अडाप्ट करके कलर इसमें से निकल के आता है। सो लेट्स ट्राई इट, मैंने एकदम मैट लिपस्टिक लगाई हुई है तो देखते हैं क्या कलर आता है। आई थिंक आई शुड जस्ट जूम इन अ लिटिल। इट टेक्स लाइक वाटर मिलन, अभी तक तो कोई कलर चेंज पता नहीं चल रहा बिकॉज मैंने ऑलरेडी बेस पे लिपस्टिक लगाई थी, आई थिंक मुझे ये बिना लिपस्टिक के लगाऊंगी तब थोड़ा कलर पता चलेगा, बट या आई लव द ग्लॉसीनेस एंड द टेस्ट, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है ना, लव द फैक्ट कि चिपचिप वाला ग्लॉस नहीं है, या इट्स नॉट दैट चिपचिपी वाला एंड थिक वाला ग्लॉस है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्वाइट स्पूकी एंड एक्साइटिंग प्रोडक्ट, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। कमिंग टू द नेक्स्ट पैकेजिंग बाय नायका, आई एम लविंग दिस सीरीज, मजा आता है ऐसे कैमरे पे अनबॉक्सिंग करने में। वी हैव सम एक्स्ट्रा पेपर हेयर गोइंग ऑन हेयर विच इज़ गुड, प्लास्टिक से तो बेटर ही है कि ऐसे कागज डाल दो। ओके वी हैव अनदर, ओ माई गॉड डोंट टेल मी इस पूरे डब्बे में परफ्यूम आया है, गॉड देयर इज लिटरली नथिंग इनसाइड इट, क्या नायका यार क्या यार, पर चलो कोई नहीं अंदर प्लास्टिक नहीं है सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। सो ये है मोए परफ्यूम जो दे वेयर बाय और दे परफॉर्म बाय नायका, ये तो मैं खोलने वाली हूँ बिकॉज मैंने इनके मोई परफ्यूम्स के बारे में काफ़ी सुना है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, मोई मोए आई डोंट नो, ये नाम पढ़ के मुझे एकदम मोए मोए याद आ गया, आजकल चल रहा है ना इंस्टाग्राम पर मोए मोए। ओके सो दिस आर द पैकेजिंग लुक्स लाइक, इनके छोटे वाले जो परफ्यूम होते हैं ना वो मुझे फ्री गिफ्ट में मिले हुए हैं, आई थिंक बर्थडे गिफ्ट में मिलते हैं या फिर फ्री नायका काफ़ी बार प्रोडक्ट्स देता है। ओह आई लव द बॉटल, लाइक लुक एट दिस हाउ प्रिटी इट इज़, कितनी सुंदर लग रही है ना, इट हैज़ अ सिट्रसी काइंड ऑफ खुशबू जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, एंड इट्स नॉट ऑल फ्लोरल और मीठी, वो जो गर्ली गर्ली फ्लोरल वाली खुशबू होती है ना बिल्कुल वैसी नहीं है, सो थैंक गॉड मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। एक बार इसके नोट्स मैं पढ़ लेती हूँ, डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैंशन होंगे, फ्रेंच फ्रेज दैट मीन्स जॉय ऑफ लाइफ, ओ आई वॉज राइट, ये फ्रेंच में लिखा है जॉ डे वेबरे विच मीन्स जॉय ऑफ लाइफ, एंड इसके जो नोट्स हैं इट इज अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिट्रस विद एरोमेटिक एंड फ्रूटी वुडी नोट्स मेकिंग इट सुपर सेंशुअल इवन वेन वॉर्न ऑन अ हॉट समर डे, ओ सो आई वॉज राइट, इसमें सिट्रसी खुशबू है लेकिन इसमें एक फ्रूटी वुडी नोट्स भी हैं विच आई पर्सनली लव, इट्स नाइस, दिस इज गुड, बाय इट। नाउ दिस इज द पार्सल दैट आई एम सुपर 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 एक्साइटेड अबाउट, इसकी वजह से मैं ये वीडियो जल्दी शूट कर रही हूँ, इनफैक्ट मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर रात को ये वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज मैं और वेट नहीं कर सकती, मैंने सोचा था जब भी मैं पार्सल खोलूंगी मैं आप सबके साथ में ही खोलूंगी। दिस इज माई कल्ट का पार्सल जो मैंने ऑर्डर किया है, आई थिंक दो या तीन दिन पहले रात को रैंडमली टेक्स्ट मैसेज आते हैं ना, मैं कल्ट से पहले बहुत शॉपिंग करती थी, जब नया नया कल्ट लॉन्च हुआ था ना तो मैंने काफ़ी शॉपिंग करी थी, दिस इज़ द कल्ट बेसिकली। सो एक कल्ट है सी यू एल टी वाला जो बाहर की ब्रांड है, जहाँ से मैंने ऑर्डनरी के सामान मंगाती थी, जहाँ पे मैं जितने भी सेरावी होता है ऑर्डनरी वो आपको बाहर से वो बेसिकली पार्सल बाहर से आता है, उसमें काफ़ी सारी इम्पोर्ट ड्यूटी देन जो भी कस्टम्स एंड ऑल होते हैं वो लगते हैं, वो कल्ट अलग है, दिस इज़ इंडिया की वेबसाइट, ये कल्ट है KULT एंड इनकी बहुत सी डील है विच इज़ फ्लैट 50% ऑफ, कल्ट 50 आप कोड यूज़ करोगे फैट 50% ऑफ मिलेगा, नॉट ऑल स्पॉन्सर्ड, मैंने हमेशा जब भी कल्ट से सामान मंगाया अपने पैसों से मंगाया है, ये भी मैंने खुद खरीदा है, सो नॉट ऑल स्पॉन्सर्ड और इन कोलैबोरेशन विद कल्ट। तो जब यहाँ से
क्लियर करेंगे. एंड दिस इज माई फर्स्ट एवर मैक का फाउंडेशन. आई ऑर्डर द मैक मिनी फाउंडेशन. दिस इज NC25. मैं जनवरी में गई थी, आई थिंक कौन सा मॉल था, सेलेक्ट सिटी मॉल के मैक के स्टोर गई थी. एंड मैंने वहाँ पे हम्बली जाके बोला था कि प्लीज़ मुझे शेड मैच करने में हेल्प कर दो, बिकॉज मुझे अपना मैक का शेड नहीं पता था. एंड वहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे गाइड किया. तो मेरा जो एग्जैक्ट शेड निकला वो था NC25. NC30 भी मुझे आ रहा था, लेकिन उसका एक ऑरेंज टेंट आ रहा था जो बहुत अजीब लग रहा था. सो मैंने NC25 लिया है. इसकी हल्की सी पिंक अंडरटोन है, और जो NC30 था उसकी हल्की सी ऑरेंजिश अंडरटोन है. तो मेरे ऊपर पिंक अंडरटोन का फाउंडेशन एकदम परफेक्टली सूट कर रहा है. एंड लुक हाउ क्यूट इट इज, छोटा सा क्यूट सा फाउंडेशन है. इसके मैंने ना मिक्स रिव्यू सुने हैं, कोई कहता है बहुत अच्छा है, कोई कहता है बड़ा बेकार है. सो या लेट्स सी, मैं तो उसको जब प्रॉपर यूज करूँ तब बताऊंगी. द ओनली प्रॉब्लम विद द मिनी फाउंडेशन इज, ये मिनी वाला फाउंडेशन बड़ी भैया पैकेजिंग में आता है. लाइक यू कैन सी, ऐसा लग रहा है वो लैक्मे का 100 रुपये वाला फाउंडेशन ही होता. मैं वो यूज कर रही हूँ, बट है ये महंगा. सो इसका जो एक्चुअल फुल प्राइस है ना, दैट इज एक्सपेंसिव. लाइक दिस वन इज फॉर 2100 रुपीज, लेकिन मुझे कल पे फ्लैट 50% ऑफ पे मिल गया. आई थिंक 1000 रुपीज कम हो गए थे, बिकॉज उनकी जो फ्लैट डील होती है वो अप टू 1000 ही वर्क करती है. आप फिर उससे ऊपर कितना भी ले लो, 1000 से ऊपर डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा. तो 2100 में से लगा लो, मुझे 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, विच इज अ गुड डील. इतना डिस्काउंट नायका पर भी नहीं मिलता. एंड नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर करी है ये नेल पेंट, और ये इतनी डिसअपॉइंटिंग आई है. मैंने पहले भी ये फेसेस कैंडा की नेल पेंट यूज करी है, लेकिन मुझे पता नहीं था इन्होंने इतना छोटा कर दिया इसका साइज. मतलब ऐसा लग रहा है कोई छोटे बच्चे की नेल पेंट है. लाइक लुक एट दिस साइज, देख रहे हो इसका कितना छोटा ये साइज है. और ये एग्जैक्ट शेड मैंने यूज करा हुआ है, मैंने नायका से मंगाया था. आई थिंक दिस इज फ्लोरल ड्रीम, मुझे अभी तक याद है. या फ्लोरल ड्रीम ये मेरा फेवरेट शेड हुआ करता था. एक दो साल पहले मैं कॉन्स्टेंट ये वाला शेड लगाती थी, बट आई रिमेंबर ये बॉटल काफी बड़ी आती थी. सो इन्होंने प्राइस सेम रखा है, लेकिन साइज इसका काफी छोटा कर दिया. सो वी हैव द मोस्ट क्रिएटिव पीआर पैकेजिंग. मतलब इससे ज्यादा थॉटफुल कोई पीआर पैकेजिंग नहीं हो सकती. दिस इज बाय डॉटन की. सो डॉटन की ने लॉन्च करी है उनकी स्पोर्ट सनस्क्रीन इन अ न्यू वेरियंट. मैंने इनकी ब्लू कलर की, जो स्काई ब्लू कलर की स्पोर्ट सनस्क्रीन आती है वो यूज करी हुई है. मैं जब बाली गई थी मैं वही लेके गई थी. मैंने ऑल ओवर बॉडी वही लगाई थी, बिकॉज की SPF काफी हाई थी. जो स्पोर्ट्स खेलते हैं धूप में ज्यादा रहते हैं, जो वाटर पानी में ज्यादा जाते हैं, वो वाटर प्रूफ सनस्क्रीन भी थी बाय द वे. सो मुझे वो काफी अच्छी लगी थी. सो नाउ दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू वेरिएंट इन द स्पोर्ट्स सनस्क्रीन कैटेगरी. एंड यू कैन सी यहाँ पे रैकेट बना हुआ है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है. एंड वंस यू ओपन दिस मैग्नेटिक बॉक्स आपको अंदर से सनस्क्रीन दिख जाएगी. एंड दिस इज हाउ द सनस्क्रीन लुक्स लाइक. ये इन्होंने लॉन्च करी है लाइम रश. दिस इज स्विम एंड स्पोर्ट्स. तो ये आप स्विमिंग करने जाओगे तब भी लगा सकते हो. काफ़ी लड़कियां पूछती हैं कि हमें बीच पर जाना है, पानी में जाते हैं, स्विमिंग पूल पर जाते हैं, कहीं वेकेशन पर जाते हैं, तो कौन सी सनस्क्रीन लगानी चाहिए. सो ऑलवेज गो फॉर अ सनस्क्रीन जिसमें स्विम लिखा हो कि वाटर बेसिकली रेजिस्टेंट सनस्क्रीन है. सो दिस इज अ लाइम रश स्विम एंड स्पोर्ट्स सनस्क्रीन. इट इज SPF 50 विथ PA 4x+. इसमें मल्टी वाइटामिन है E, B3, B5. दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप, प्रिवेंट टैनिंग, स्वेट रेजिस्टेंट, और ये वाटर रेजिस्टेंट है 180 मिनट्स. आई लव द फैक्ट इन्होंने यहाँ पे क्लेम अपना लिखा हुआ है कि वाटर रेजिस्टेंट आपको 180 मिनट्स तक रखेगी. और इनकी यूजुअल डॉटन की जो पतली पैकेजिंग आती है बिल्कुल वैसी है. और इनकी ये वाली जो सनस्क्रीन होती है ना, दीज आर लाइक सुपर लाइट वेट. यू कैन से सी कितनी पतली पतली एकदम पानी जैसी सनस्क्रीन होती है. इसलिए मुझे अच्छी भी लगती है, बिकॉज जो बीची वेदर होता है ना, कहीं पर भी बीच पर जाओ तो वो थिक थिक वाली सनस्क्रीन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. एक तो इमेजिन आप बीच पर बैठे हो एंड आपको पानी में जाना, और आप घंटे लगा रहे हो उसको ब्लेंड करने में, फिर टाइम लगता है. सो बहुत अनॉइंग लगता है. सो मुझे पर्सनली ये वाली सनस्क्रीन काफ़ी पसंद है. इसका ब्लू वाला वेरियंट मुझे काफ़ी पसंद आया था. आई एम श्योर ये मुझे पसंद आने वाला है. सो या इन केस यू आर परचेजिंग फ्रॉम डॉटन की, डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड Kashika15. आपको उससे एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिल जाएगा, जस्ट इन केस यू वांट टू यूज. नेक्स्ट वी हैव समथिंग जो मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है, रिव्यू भी शूट हो गया है, लेकिन अभी अंडर रिव्यू है. तो सून इसकी रील या फिर शॉर्ट्स आपको दिख जाएगी. आई एम नॉट रियली श्योर कि इस प्लेटफॉर्म पे जाएगा, बट यहाँ मैंने शूट कर लिया है. दिस इज इंडियाज फर्स्ट मेल्टिंग नैनो मास्क. सो आपको दिखता होगा इंस्टाग्राम पे आजकल काफी वायरल चल रही है क्लिप्स. बाहर के इन्फ्लुएंसर ऐसे शीट लगाते हैं मास्क, एक पतला सा शीट मास्क जैसा लगाते हैं, वो स्किन में चला जाता है, एकदम गायब हो जाता है. सो बेसिकली दोज आर नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, वो मेल्टिंग मास्क होते हैं. वो उसके अंदर इंग्रीडियंट्स ऐसे होते हैं कि वो स्किन में मेल्ट हो जाता है. सो ये कोलाजन बेस्ड मास्क है, इसमें काफ़ी हाई क्वांटिटी है कोलाजन की इनके मास्क में. सो ये उनकी ग्लो किट है, इनके काफ़ी सारे वर्जन आते हैं. दिस इज द ग्लो किट वर्जन. एंड वंस यू ओपन इट, काफ़ी फैंसी इसकी पैकेजिंग है. दो मास्क मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ. देखो इसका तो पूरा रिव्यू आने वाला है, तो मैं इसकी ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बट आई कैन डेफिनेटली से ही ये इफेक्टिव है, बिकॉज मैंने दो बार यूज़ किया ना, मुझे खुद फर्क पता चला है. सो इट्स एक्सपेंसिव बट इट्स गुड. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट पीआर पैकेजिंग बाय प्लम. ये है प्लम की एक सनस्क्रीन जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है. उन्होंने काफ़ी कूल पीआर पैकेज भेजा है. इट्स लाइक अ
टोट बैग या बीच बैग जिसको आप बोल सकते हो, उस पर लिखा है यू कैन हैव इट ऑल, एंड यहाँ पे सनस्क्रीन का एक सिंबल बना हुआ है। प्लम के पीआर हमेशा एक्साइटिंग होते हैं। प्लम एंड डॉटन की आर टू ब्रांड्स जो अपने पीआर पैकेजेस में काफ़ी क्रिएटिविटी रखती हैं, एंड आई लव द फैक्ट इनके काफ़ी सारे जो पीआर किट्स होती हैं ना वो फॉर सेल भी होती हैं, तो आई थिंक ये भी आपको शायद फॉर सेल दिख जाएंगी ई कॉमर्स वेबसाइट पर। सो दिस इज़ द एक्चुअल सनस्क्रीन, लेकिन उससे पहले मैं बाकी जो उन्होंने सामान दिया वो दिखा देती हूँ। सो वी हैव दिस what do you call it, like thermos bottle or a can sort of thing you can say। यहाँ पे ये flip वाला है कि आप इसको ऊपर करोगे and you can drink water। basically they have explained about their sunscreen कि कैसे इन्होंने study किया इसके बारे में, SPF की formulation निकाली and good better best, उसके बाद इन्होंने सबसे अच्छी formulation launch करी, everything basically। so finally this is the sunscreen। And look at this, कितनी cool and quirky इसकी packaging है। This is the hyaluronic acid sunscreen and this is the sunscreen जो काफ़ी cool and quirky packaging में आई है। This is the Cica and hyaluronic acid aqua light sunscreen। Definitely जब मैं try करूँगी मैं तब आपको बताऊँगी। Cica is one of my favorite ingredient, both Cica and hyaluronic acid, love it, because जब काफ़ी बार होता है ना skin red होती है, acne की redness का कोई side effect हो गया, तो उस time पे Cica and hyaluronic acid based products मैं personally खुद use करती हूँ, because ये काफ़ी calming होते हैं skin के लिए। So ये definitely मैं try करूँगी जब मुझे लगेगा मुझे redness feel हो रही है। लिटरली एंडेड द वीडियो और फिर मुझे याद आया ये वाला बॉक्स तो रह गया, सो इसको भी दिखाई देती हूँ। मैं दोबारा शूट कर रही हूँ, मेरा पूरा सेटअप हटाने वाली थी बट फाइनली मुझे दिख गया। सो ये भी रैंडमली आया, आई रियली नो आइडिया किसने भेजा है, किस एजेंसी के थ्रू आया, बट आई थिंक ये कंपनी ने डायरेक्टली भेजा होगा। दिस इज बाय कंट्री बीन। कंट्री बीन की कॉफीज मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, मैं काफ़ी पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ। मैग्नोलिया, आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस इट, बेकरी के साथ कोलैबोरेशन आई है। दिस इज न्यूयॉर्क फेमस बेकरी एंड उनके साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने एक न्यू वेरियंट निकाला है। This is how the PR packaging looks like. We have a nice coffee sipper over here, जिस पर लिखा भी हुआ है country bean. I'm definitely gonna use it. So this is the coffee, which is the world famous banana pudding. So ये जो bakery है ना New York में, it is famous for their banana pudding. So उन्होंने उसी flavor की coffee बनाई है. This is 100% Arabica coffee, and ये पूरी grains वाली आप देख सकते हो. You just pour it into hot coffee, या फिर आप cold coffee बनाओगे ना grinder में, अच्छे से इसको पूरे एक shaker में use करोगे तो अच्छे से melt हो जाती है, and it's actually good. Country bean की coffee मुझे पर्सनली काफी पसंद है, सो डेफिनेटली मैं ट्राई करके बताऊंगी, बिकॉज बनाना पुडिंग बेस्ड कॉफी मैंने पर्सनली कभी ट्राई नहीं करी, सो रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस। फाइनली वी आर एंडिंग दिस ह्यूज, तो नहीं मैंने स्टार्टिंग में इतना ह्यूज क्यों बोला, बिकॉज एक्चुअली मैं था नहीं इतना, बिकॉज हर बॉक्स में थोड़ा थोड़ा सामान था, बट चलो कोई नहीं यार, जितना भी था एक क्यूट सी वीडियो तो बनी गई। इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। किसी भी वेबसाइट के साथ मेरा कोई कोड होगा तो मैं वो कोड भी डाल दूंगी, सो दैट आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल पाए। एंड किसी का भी रिव्यू अगर आपको देखना हो, मैं डेफिनेटली फाउंडेशन का करने वाली हूँ, लाइनर का रिव्यू आने वाले मेरे इंस्टाग्राम पे, सो मेक श्योर फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज ऐसे शॉर्ट रिव्यूज़ मैं अपने इंस्टाग्राम पर करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एंड लेट मी नो सम वीडियो आइडियाज़ एज वेल, आई एम ऑल अप फॉर लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़, तो आप किस टाइप की लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ देखना चाहते हो मुझे ज़रूर नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। एंड या विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।